देखो गाइस, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं एंड आपको छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स या छोटा मोटा काम कराना है बाइक का, ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देख लो, जहाँ से मैंने हेडलाइट अपनी लगवाई थी। मुझे हेडलाइट का काम करना है, बहुत ज्यादा आलस आता है, तो मुझे तो काफी अच्छा एंड काफी सॉर्टेड एंड काफी क्लीन सा लग रहा है। आप लोग भी सोच लोगे, अरे हर्ष भाई ये क्या, आपने बाइक को ऐसे ही छोड़ दिया? तो भाई उस दिन यानी कि जब आपने लास्ट व्लॉग देखा, उसके बाद आ गई थी घंघोर बारिश दिल्ली के अंदर में एंड मैं अपने व्लॉग को शूट नहीं कर पाया था। सो मैंने बाइक को ढका, जल्दी से सारा सामान यहीं पर रखा, ऊपर कवर रखा ऑब्वियसली, जो मेरा रॉयल एनफील्ड वाला है, एंड हेडलाइट को ऐसे कैसे छोड़ दिया और कोई काम नहीं करा। एंड आज एक दो दिन बाद जब बारिश थोड़ी शांत हुई है, मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और हमारा पार्ट टू मॉडिफिकेशन का कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कंप्लीट होता है या नहीं होता है या आज भी रह जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूं आपका उस्तान दोस्त हर्ष सानी। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड मज़े में होंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट व्लॉग में जब आप लोगों ने देखा, भाई हम शूट कर रहे थे, पहली बार बता देता हूँ यहाँ पे मैं खड़ा इसलिए क्योंकि मेरे घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं हो रहा। गोप्रो का जो माउंट था वो था बॉबी की स्कूटी में एंड बॉबी आउट ऑफ टाउन था और आज वो आया है, तो हमने उसकी स्कूटी में से माउंट भी निकाल लिया, तभी आज मोटो व्लॉग भी कर रहे हैं। एंड ये भी एक रीज़न था मोटो व्लॉग ना आने का। तो अब मैं बताता हूँ कि आगे वाला जो पूरा पार्ट है वो खुला क्यों हुआ है, इसका हेड क्यों खुला हुआ है। उसका सिंपल रीज़न है कि मैं जो हूँ हेडलाइट फिक्स करने में इतना ज़्यादा महान नहीं हूँ। मैंने खोल तो दिया था स्टड बन के एंड मुझे लगा था मैं जोड़ भी लूँगा, जोड़ भी लेता एक्चुअल में, अगर मैं ज़्यादा एफर्ट्स करता मैं जोड़ भी लेता, मुझे इतना खुद पर भरोसा है। लेकिन मैं फालतू के एफर्ट्स करना नहीं चाहता था अभी, और मैं चाहता हूँ कि यार बाहर जा करके इसको लगवा लें। सो अभी मैं जा रहा हूँ वीरेंद्र नगर के अंदर में। काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हर्ष भाई आपने जो अपनी बैटरी के अंदर में जो वेल्डिंग करा रखी है चोरी ना हो, ताकि अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा है वो जाके देख लो, तो वो कहाँ से कराया था? तो मैंने वो कराया था वीरेंद्र नगर में शर्मा वेल्डिंग से, और अगर वो शॉप अगर अभी दिखी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा दूँगा। यार यहाँ तो खुदा पड़ा है सारा मामला, पीछे नहीं पड़ते बेटे, शाबाश। पेट्रोल हो चुका है दिल्ली में 101.88, ऑलमोस्ट 102 रुपये। सही है मोदी गवर्नमेंट, सही है। देखो गाइस, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं एंड आपको छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स या छोटा मोटा काम कराना है बाइक का, नो नीड टू गो टू करोल बाग, यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पूरी बाइक मार्केट है एंड यहाँ पे आकर के आप अपनी बाइक का कोई भी काम करवा सकते हो या कोई पार्ट आपको चाहिए वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिल्ली हाट के जस्ट सामने हूँ एंड दिल्ली हाट के जस्ट सामने होकर के यहाँ पे आप कार डेंटर और ये देख रहे हो पाल प्रॉपर्टीज़ के जस्ट साथ में गली है। गली के अंदर जाते ही सेकेंड या थर्ड शॉप पे है हमारे वेल्डिंग वाले भैया जिन्होंने हमारी बाइक के अंदर करा था वेल्ड। तो भाई आ चुके नदीम की दुकान पे दोबारा से। अगर आप लोगों ने लाइट वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देख लो, जहाँ से मैंने हेडलाइट अपनी लगवाई थी। मुझे हेडलाइट का काम करना है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वो भाई हमारा हेडलाइट जो है लगा रहा है, दिखा देता हूँ कैसे लगती है वैसे। और वैसे यूट्यूब के ऊपर बतेरी वीडियो था, जाके वो भी देख लोगे तो पता लग ही जाएगा। भाई जहाँ पे क्लिप्स होती है और एक क्लिप जो है एक एक करके सारी लग जाती है, बाकी भाई अपना होशियार है वो लगा देगा, दिक्कत नहीं है। और ये वाली है, ये भी हमने लगवानी है, तो पूरा सेट लगेगा प्रॉपर। तो भाई कड़ी मशक्कत के बाद ये फाइनली लग चुका है। एक्चुअली में इसमें इशू आया क्या था आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो आप पेज देख रहे हो ना, ये वाला ये आउटो रखा था, मतलब इसके अंदर जो स्पेस थी ना वो छोटा होल था, और उस होल को मुझे बड़ा करवाना था, जिसके लिए मैं पूरी मार्केट में इधर से उधर घूमता रहा और घूमने के बाद फाइनली एक जगह मिली, वहाँ जा करके हमने होल को बड़ा कराया और अब ये फिट हो गया ना भाई, हो गया भाई, शुगर है। और अब आगे की हेडलाइट लगाएंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो, कह लो रेडी टू रोल, कह रो रोल हम करते नहीं, गो ही जाएंगे। गाइस मेरा जो लेफ्ट वाला इंडिकेटर था ना, उसके अंदर भी इशू आ रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा था। सो मैंने कहा आगे का हेड हमने खुलवाया है तो ये भी काम हम करवा ही लेते हैं। एक्चुअल में वो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर से कोई तार जो है वो शायद ढीली पड़ गई है, एंड सर्विस सेंटर जाके इतना खर्चा करने से बढ़िया आई थॉट के आया हूँ सो वहीं पे यानी कि यहीं पे करवा लेता हूँ। बाकी अभी देख रहे हैं, अभी शॉर्ट हुआ नहीं है, जैसा भी होगा विल अपडेट यू गाइस। चलो भाई ये भी शॉर्टेड हो गया,
सो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है, मैंने करा है नदीम ऑटो इलेक्ट्रीशियन से। अगर आपको करवाना तो आप यहाँ पे आके लाइट का काम करा सकते हो, अच्छा बढ़िया कर देते हैं। फॉग लाइट लगानी वो भी लगवा सकते हो, हालांकि मेरे को फॉग लाइट्स लगाने की नीड नहीं है इसलिए मैं नहीं लगवा रहा हूँ। तो अभी आगे चलते हैं और आपको जो लुक है वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा। एंड सॉरी यार मैं आज शॉर्ट्स में आ गया बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा लिटरली। सो फाइनली सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा था वो भी चल रहा है और आगे हेडलाइट ग्रिल लग चुकी है। एंड अभी पर्सनली अगर मैं पायलट व्यू से बताऊं, यानी कि राइडर व्यू से बताऊं कैसा व्यू आ रहा है लुक, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सॉर्टेड एंड काफ़ी क्लीन सा लग रहा है। क्रोम से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली क्रोम नहीं अच्छा लगता भाई, सॉरी आई नो आप में से काफ़ी भाई क्रोम लवर्स हैं लेकिन भाई से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्रोम वगैरह। सो गाइस फाइनली जो लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है बाइक की और ये थी मेरी बॉस 2.0 फाइनली कंप्लीटेड। आई डोंट नो आपको कैसी लुक आ रही है बट ये हेडलाइट ग्रिल लगाने के बाद जो लुक है पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि अभी रात हो चुकी है तो इसलिए अभी ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, तो दिन में आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड फ्लैशर्स जब लगते हैं बाइक पे तो चार चांद तो लग ही जाते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। अभी जब पीछे वाली सीट हटेगी, सिंगल सीट होगी भाई साहब, चुम्मा वाला लुक हो जाएगा इसका और आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ इसे बीट कर पाएगी। और अगर आपको ये वाली सीट्स पता करनी है कौन सी है या लेनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये है मोटर नेशन स्पेशल सीट, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एग्जैक्ट फिटिंग के साथ आती है, कोई भी जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव द स्टॉक सीट एंड इंस्टॉल द न्यू वन एंड आपको यू आर रेडी टू गो एग्जैक्टली। या तो बाकी अभी मज़ा आ रहा है मुझे बाइक राइड करने में और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी अलग है भाई जब आप पूरी शाम एक अपनी बाइक को देते हो और उसके बाद जो लुक निकल करके आती है भाई साहब माइंड ब्लोइंग कतल चुम्मा। आई डोंट नो आप लोग मेरी हैप्पीनेस को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लेकिन जो रियल बाइकर है ना भाई साहब वो समझ रहा होगा कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। तो भाई हम जा रहे थे घर और घर जाते जाते हमें क्या दिखा, और तो भाई अब जो आप शॉट देख रहे हो उसके कैमरे से देख रहे होगे। तो यार ये चलता रहता है अपना। वही ग्रिल कैसी लग रही है, ग्रिल कैसी लग रही है, वही लगवा गया हूँ ये और ये कहाँ कहाँ किसका क्यों टूटन पे आ मेरी नस चट गई पैर की, मेरे पैर भी नस चढ़ गई भाई। किस किस के साथ होता है, मेरे साथ हुआ था जब मैंने लाइफ में पहली बार बुलेट की टेस्ट राइड ली थी ना तब मेरे पैर पे नस चढ़ गई थी और आज दोबारा चढ़ गई है। हाँ भाई साहब आपका भाई जो आजकल जिम विम जा रहा है तो करेंगे उसका भी शॉट दिखाएंगे आपको, व्लॉग दिखाएंगे, अभी तो लाइफ शुरू हुई है ना। बाकी POV पायलट व्यू तो बहुत सही आ रहा है, देखो अभी एक बार आ रहा ना एक्सी। तो गाइस ये है अभी कुछ ऐसा व्यू, बाकी मुझे काफ़ी सही लग रही है हेडलाइट। अगर आप लोगों को बाइक की लुक अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तब भी लाइक कर देना और अगर बुरी लगी है तब डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी फिटिंग जो है एग्जैक्ट मिलनी बहुत मुश्किल है, हमने भी जो करी थोड़ा सा जुगाड़बाजी इसके अंदर हुई तब जा करके फिट हुई। आई डोंट नो कि आप लोगों ने अगर फिट करी तो वो कैसे करी, लेकिन मेरी तो भाई साहब जुगाड़बाजी करके हुई। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है हेडलाइट का कुछ ग्रिल आ गई है, बहुत सही लग रही है, मतलब बहुत प्यारी लग रही है मुझे अगर आप पूछोगे तो भाई साहब 10/10 है। और जो लुक है वो भी काफ़ी माचो लग रही है, काफ़ी मस्कुलर सी लग रही है। तो गाइस ये भी फाइनल कुछ लुक और जो खर्चा आया मेरा कुछ 200-250 रुपये आया, तो अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप कर सकते हो। एंड अगर आप बोलोगे मोटो नेशन पे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा जाए तो वो भी कर देंगे, बाकी अभी कुछ प्लान करा नहीं है, देखते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। बाकी ये कुछ लुक, तो वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, मास्क पहनो और सेफ रहो।